नमस्कार, एस्ट्रो टुडे एकेडमी के मासिक राशिफल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में जन्मे लोगों के लिए साल 2023 में मई का महीना कैसा रहने वाला है, कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा। इसमें आपके करियर, आर्थिक स्थिति, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, हेल्थ और एजुकेशन के साथ साथ मई महीने के उपायों के बारे में भी जानेंगे। लेकिन यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए सबसे पहले सिंह राशि में जन्मे लोगों के राशिफल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मई महीने में होने जा रहे ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में जान लेते हैं। मंगल 10 मई तक मिथुन राशि में रहेंगे और 10 मई के बाद कर्क राशि में गोचर करेंगे। सूर्य 15 मई तक मेष राशि में रहेंगे और 15 मई के बाद वृषभ राशि में गोचर करेंगे। बुध, गुरु और राहु इस पूरे महीने मेष राशि में ही गोचर करेंगे। शुक्र 2 मई को मिथुन राशि में गोचर करेंगे। केतु इस पूरा महीना तुला राशि में और शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। यहाँ ये जानना जरूरी है कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि या नाम राशि पर आधारित राशिफल है। सिंह राशि के राशि स्वामी सूर्य की बात करें तो सूर्य 15 मई तक आपके 11th हाउस यानी भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके भाग्य भाव में उच्च की राशि मेष में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। कोई भी ग्रह जब स्वराशि या उच्च राशि का होता है तो राहु का प्रभाव ज्यादा नहीं रहता, इसलिए इस भाव में सूर्य राहु की युति ज्यादा खराब परिणाम नहीं देगी, जिसके चलते इस समय अंतराल में आप कॉन्फिडेंस में वृद्धि महसूस करेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी और करियर व्यापार में भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। सिंह राशि में जन्मे लोगों के करियर की बात करें तो 15 मई को जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो अच्छे फल देने का काम करेंगे। गर्म भाव में स्थित सूर्य नौकरी व्यापार में तरक्की देने का काम करेंगे। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में बढ़ोतरी के भी योग बनेंगे। किसी भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, समय आपके लिए उचित रहेगा। देश विदेश से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। आपके कर्म भाव के स्वामी 2 मई को लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके चलते अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। एक से ज्यादा इनकम के भी सोर्स बन सकते हैं। भाग्य की दृष्टि से भी यह महीना अच्छा रहेगा। सीनियर्स और कोलीग्स के साथ संबंधों में मजबूती आएगी। सिंह राशि में जन्मे लोगों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके धन भाव और लाभ भाव के स्वामी बुध भाग्य भाव में गोचर करने जा रहे हैं। धन की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि के योग बनेंगे। बिजनेस व्यापार में ग्रोथ मिलने से लाभ होगा। जॉब में सैलरी इंक्रीमेंट या प्रमोशन के योग बन सकते हैं, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी आदि में इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा। मान सम्मान के साथ साथ सुख सुविधाओं, लग्जरीज में भी वृद्धि होगी। सिंह राशि में जन्मे लोगों की लव लाइफ की बात करें तो 5th हाउस के स्वामी देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव से अपनी पंचम दृष्टि 5th हाउस पर ही डाल रहे हैं, जो कि आपके रिलेशन को मजबूती देने का काम करेगी। आपके आपसी संबंधों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। सिंह राशि में जन्मे लोगों की मैरिड लाइफ की बात करें तो ग्रहों की स्थितियां वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल हैं। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग और बिना बात विवाद से बचना है। आपके लिए मई का महीना सुखद अनुभूति वाला रहेगा। अविवाहित है तो शादी के योग बनेंगे। संतान संबंधी सुखों में भी वृद्धि होगी। सिंह राशि में जन्मे लोगों की हेल्थ की बात करें तो 10 मई तक का समय हेल्थ की दृष्टि से अच्छा रहेगा। मंगल 10 मई को जब राशि परिवर्तन कर 12th हाउस में गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी कोई खर्चा होने की संभावना रहेगी, इसलिए इस महीने हेल्थ के प्रति सजग रहें, अकारण गुस्सा करने से बचें और योग, प्राणायाम, मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बनाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह राशि में जन्मे लोगों की एजुकेशन की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छा रहेगा। भाग्य भाव में स्थित गुरु की नवम दृष्टि आपके 5th हाउस पर रहेगी और गुरु ज्ञान के कारक माने जाते हैं, जिसके चलते मनचाही स्ट्रीम में एडमिशन मिलना,
फॉरेन स्टडी के लिए जाना जैसी स्थितियां बनेगी। सावधानी की बात करें तो 10 मई के बाद 12th हाउस में मंगल का गोचर चैलेंजेस को बढ़ाने वाला रहेगा। इस महीने हार्ड वर्क से बिल्कुल ना घबराएं और 15 मई के बाद प्रॉपर्टी वाहन इत्यादि की खरीद करते समय थोड़ी सावधानी रखें। सिंह राशि में जन्मे लोगों के लिए मई महीने के उपायों की बात करें तो इस महीने मंगल का उपाय करें। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुनें। सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। रात के समय कुत्तों को रोटी जरूर खिलाएं या राहु के मंत्र का जाप जरूर करें। कर नहीं सकते तो सुने जरूर। कन्या राशि में जन्मे लोगों के लिए साल 2023 में मई का महीना कैसा रहने वाला है? यह राशिफल आपकी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित राशिफल है। कन्या राशि के राशि स्वामी की बात करें तो बुध जो कि आपके लग्नेश भी हैं और करियर के मालिक भी हैं, 8th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं। 8th हाउस में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता और साथ ही बुध राहु की युति जड़ बुद्धि दोष और गुरु राहु की युति गुरु चांडाल योग भी बना रही है, जिसके चलते कन्या राशि के लोगों के कार्यों में ज्यादा ऑब्स्टेकल्स परेशानियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अकारण कार्यों में देरी भी देखी जा सकती है, इसलिए इस टाइम पीरियड में आपको पेशेंस रखने की सलाह दी जाती है। करियर की बात करें तो आपके 10th हाउस में स्थित मंगल आपको बल पराक्रम देने का काम करेंगे। 10 मई तक मंगल आपके 10th हाउस में रहेंगे। बिजनेस व्यापार से जुड़ा कोई भी बड़ा निर्णय 10 मई तक लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि 10 मई को मंगल आपके लाभ भाव में गोचर करने जा रहे हैं और नीच के मंगल विवादों को बढ़ाने का काम करते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको अनैतिक कार्यों से दूर रहना है और कोई भी डिसीजन लेते समय जल्दबाजी से बचना है और संयम के साथ आगे बढ़ना है। शनि की बात करें तो शनि का गोचर आपके लिए अच्छे फल दिलाने वाला रहेगा। कन्या राशि के जो जातक जॉब की तलाश कर रहे हैं उन्हें जॉब मिलने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी। धार्मिक और लंबी दूरी की यात्राओं के भी योग बनेंगे। इस महीने आपकी आध्यात्म और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी जो कि आपको सफलता दिलाने का कार्य करेगी। कर्म भाव में शुक्र का गोचर अच्छे फल दिलाने वाला रहेगा। जितना हार्ड वर्क इस टाइम पीरियड में करेंगे उतना लाभ होगा। सावधानी की बात करें तो इस महीने आपके करियर व्यापार में किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। नौकरी में सीनियर्स या कोलीग्स के साथ मतभेद या विवाद होने की संभावनाएं बन सकती हैं। यहां आपको विशेष रूप से बुध को मजबूत करने की सलाह दी जाती है। कन्या राशि में जन्मे लोगों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस पूरा महीना धन की स्थिति तो अच्छी रहेगी लेकिन खर्चों की भी अधिकता रहेगी और जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उसके अनुरूप ही धन की प्राप्ति होगी, इसलिए हार्ड वर्क करने से बिल्कुल ना घबराएं। 10th हाउस में शुक्र का गोचर भूमि मकान वाहन इत्यादि की खरीद के योग बना रहा है। इस महीने शुक्र के प्रभाव के चलते विदेश यात्रा की भी संभावना बनेगी। कन्या राशि में जन्मे लोगों की लव लाइफ की बात करें तो लव रिलेशंस के लिए समय अच्छा रहेगा। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि राहु के साथ बुध की युति आपकी वाणी में कटुता लाने का काम करेगी। आपकी बातों से आपके पार्टनर का मन आहत ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा अकारण गुस्सा करने से बचें और अपने संबंधों को मजबूत बनाएं। मैरिड लाइफ की बात करें तो समय ठीक रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के विवाद या मतभेद की स्थिति न बनने दें और जहां तक हो सके वाणी पर संयम बनाकर रखें। अपने भाई बहनों के साथ भी संबंधों में मजबूती लाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि में जन्मे लोगों की हेल्थ की बात करें तो 8th हाउस में स्थित बुध राहु के साथ युति बना रहे हैं, जिसके चलते मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है। बीपी और कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा पेट संबंधित प्रॉब्लम्स भी परेशान करेंगी। स्किन या ब्लड से जुड़ी इन्फेक्शंस भी मई के महीने में ज्यादा परेशान करेंगी। इस महीने चोट चपेट दुर्घटना आदि की भी संभावना बन सकती है, इसलिए रात के समय वाहन कम चलाएं। मई के इस महीने में आपको हेल्थ इश्यूज ज्यादा परेशान करेंगे, इसलिए हो सके तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और योग प्राणायाम को अपनी डेली रूटीन का पार्ट जरूर बनाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, आपके लिए अच्छा रहेगा।
एजुकेशन की बात करें तो कन्या राशि में जन्मे लोगों के लिए शिक्षा एजुकेशन की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। आपके फिफ्थ हाउस के राशि स्वामी स्वराशि के होकर सिक्स हाउस में गोचर कर रहे हैं, शिक्षा में ग्रोथ दिलाने का काम करेंगे। लेकिन बुध के साथ राहु की युति आपको भ्रमित करेगी, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता में कमी आएगी, सही समय पर सही निर्णय लेने में भी असमर्थ रहेंगे। इसलिए वीडियो में बताए बुध और राहु के उपाय अवश्य करें। उपायों की बात करें तो इस महीने आप बुध के उपाय अवश्य करें, जैसे हरे मूंग और हरी चीजों का दान बुधवार के दिन करें या बुध के मंत्र का जाप करें। आप गणेश जी की आराधना भी कर सकते हैं। इसके अलावा डेली हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें और हनुमान मंदिर भी जाएं। इसके साथ ही रात के समय कुत्तों को रोटी जरूर खिलाएं। तुला राशि में जन्मे लोगों के लिए साल 2023 में मई का महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि के राशि स्वामी शुक्र हैं और शुक्र आपके लग्न भाव और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और अपनी स्वयं की राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 2 मई तक आपके 8th हाउस में ही रहेंगे, जिसके चलते पिछले एक महीने से आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहा होगा। लेकिन जैसे ही शुक्र 2 मई को राशि परिवर्तन कर 9th हाउस में गोचर करेंगे, आप स्वास्थ्य में सुधार महसूस करेंगे। भाग्य का साथ मिलने से लाभ होगा, रुके कार्यों को गति मिलने से भी लाभ होगा। तुला राशि में जन्मे लोगों के करियर की बात करें तो 10 मई तक मंगल आपके 9th हाउस यानी भाग्य भाव में गोचर करेंगे। यहाँ स्थित मंगल अच्छे फल देने का काम करेंगे, लेकिन 10 मई को जब मंगल नीच के होकर आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे तो नेगेटिव प्रभाव डालने का काम करेंगे, जिसके चलते गुस्सा और अग्रेशन बढ़ जाएगा, जो कि नौकरी व्यापार में मनमुटाव और विवाद की स्थितियां पैदा करने का काम करेगा। इस समय पर यदि वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो स्थितियां और खराब हो सकती हैं। कार्यों में रुकावट परेशानियां बढ़ जाएंगी, जिसके चलते काम कारोबार पर बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए इस टाइम पीरियड में आप वीडियो में बताए मंगल के उपाय अवश्य करें। कर्म भाव में चंद्रमा के प्रभाव के चलते काम करियर को लेकर मन में उथल पुथल देखी जा सकती है। इसलिए जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब है, उन्हें इस पूरा महीना काम को लेकर मूड स्विंग्स बने रहेंगे। इसलिए चंद्रमा के उपाय अवश्य करें। तुला राशि में जन्मे लोगों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो 9th हाउस में शुक्र का गोचर धन संबंधित मामलों में आ रही रुकावट परेशानियों को दूर करने वाला रहेगा। लेकिन वहीं गुरु की स्थिति हार्डवर्क करवाने के साथ साथ खर्चों को बढ़ाने वाली रहेगी, यहाँ तक कि अकारण कर्ज लेने तक की स्थिति पैदा हो सकती है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच विचार कर ही करें, किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। तुला राशि में जन्मे लोगों की लव लाइफ की बात करें तो इस महीने लव रिलेशंस के लिए समय अनुकूल रहेगा, प्रेम विवाह के भी योग बनेंगे, लेकिन अकारण विवादों की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, जो रिश्ते में मनमुटाव बढ़ाने का काम करेंगी। इसके अलावा किसी की बातों में आकर अपने रिलेशन में कड़वाहट ना आने दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि में जन्मे लोगों की मैरिड लाइफ की बात करें तो मंगल जो कि आपके 7th हाउस के भी स्वामी हैं, 10 मई के बाद जब 10th हाउस में गोचर करेंगे तो वैवाहिक संबंधों को खराब करने का काम करेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या विवाद के चलते मनमुटाव की स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए इस महीने वाणी पर संयम रखें, अकारण गुस्सा करने से बचें और धैर्य से काम लें, आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि में जन्मे लोगों की हेल्थ की बात करें तो इस महीने आपको ब्लड या स्किन से जुड़े इन्फेक्शन से बचना है। इसके अलावा नाक या आंखों से रिलेटेड एलर्जी परेशान कर सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि में जन्मे लोगों की एजुकेशन की बात करें तो शनि का 5th हाउस में गोचर स्टूडेंट्स के लिए अच्छे फल दिलाने वाला रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने के योग बनेंगे, इसलिए तुला राशि के जो बच्चे विदेश जाकर अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए समय ठीक रहेगा। इस टाइम पर जो बच्चे मेहनत करने से नहीं घबराएंगे, उन्हें सफलता जरूर प्राप्त होगी। तुला राशि में जन्मे लोगों के लिए उपायों की बात करें तो इस पूरा महीना डेली गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जरूर जाएं,
और साथ ही डेली हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। भगवान शिव जी की आराधना भी कर सकते हैं आप। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी करें। अपने राशि स्वामी शुक्र के मंत्र का जाप जरूर करें। वृश्चिक राशि में जन्मे लोगों के लिए साल 2023 में मई का महीना कैसा रहने वाला है? आपके राशि स्वामी मंगल की बात करें तो मंगल जो कि आपके फर्स्ट हाउस और सिक्स हाउस के स्वामी हैं, एट्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। एट्थ हाउस में कोई भी ग्रह अच्छे फल नहीं देता। वहीं एट्थ हाउस में स्थित मंगल आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करने का काम करेंगे, इसलिए इस टाइम पीरियड में आपको 10 मई तक विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही मंगल 10 मई को 9th हाउस यानी भाग्य भाव में गोचर करेंगे स्थितियां बदल जाएंगी। यदि 10 मई के बाद भी आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहता है तो आपको वीडियो में बताए मंगल के उपाय करने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक राशि में जन्मे लोगों के करियर की बात करें तो आपके कर्म भाव के स्वामी सूर्य 15 मई तक आपको अच्छे फल देने का काम करेंगे, लेकिन 15 मई के बाद का समय थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। वर्क प्लेस पर विवाद और मनमुटाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, जो आपके करियर को प्रभावित करने का काम करेंगी, इसलिए वीडियो में बताए उपाय अवश्य करें। काम कारोबार में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। काम कारोबार में वृद्धि तो होगी लेकिन ऑब्स्टेकल्स और संघर्षों के साथ होगी। मई के महीने में लंबी दूरी की यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, इसलिए जो लोग विदेश सेटल होना चाहते हैं या काम कारोबार के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए समय सही रहेगा। उन्हें कोशिश करते रहने की सलाह दी जाती है। वहीं आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी शनि की बात करें तो शनि फोर्थ हाउस में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके बल पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भूमि वाहन के भी योग बनाएंगे। वृश्चिक राशि में जन्मे लोगों की आर्थिक स्थिति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव के स्वामी हैं और सिक्स हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहु के साथ युति भी बना रहे हैं, इसलिए धन संबंधित मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। जो भी करें सोच विचार कर करें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। इस महीने कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों और कर्ज में भी कमी आएगी। भूमि भवन से जुड़े कार्यों में कोई बड़ा निर्णय इस महीने लाभ दिलाने वाला रहेगा। वृश्चिक राशि में जन्मे लोगों की लव लाइफ की बात करें तो राहु के साथ गुरु की स्थिति भ्रम की स्थितियां पैदा करने वाली रहेगी, जो आपके रिलेशन को खराब करने का काम करेगी। इसके अलावा आपको अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहने की सलाह दी जाती है, अन्यथा संबंधों में दूरियां देखी जा सकती हैं। मैरिड लाइफ की बात करें तो समय थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। एट्थ हाउस में शुक्र का गोचर खराब फल देने वाला रहेगा। आपकी या आपके स्पाउस की हेल्थ प्रभावित हो सकती है, इसलिए अपनी और अपने स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। गुस्से अग्रेशन को खुद पर हावी ना होने दें और छोटी छोटी बातों का इशू ना बनने दें, आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। यदि कोई प्रॉब्लम होती भी है तो उसे आपस में ही सुलझाने का प्रयास करें, आपके संबंधों के लिए बेहतर रहेगा। यहाँ ये भी ध्यान रखें कि 10 मई तक मंगल की स्थिति के चलते किसी प्रकार की चोट चपेट या दुर्घटना की भी संभावना बन सकती है, इसलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने स्वास्थ्य की दृष्टि से समय थोड़ा परेशानी वाला रहेगा। पेट संबंधित रोग, स्किन से जुड़ी परेशानियां या सीजनल बीमारियां प्रॉब्लम्स दे सकती हैं, इसलिए महीने की शुरुआत से ही हेल्थ का ध्यान रखें। खान पान में लापरवाही ना करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि में जन्मे लोगों की एजुकेशन की बात करें तो इस महीने आप फोकस पे कमी महसूस करेंगे, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, जिसके चलते कॉन्फिडेंस भी लो रहेगा। ऐसे में आपको मेहनत करने से नहीं घबराना है और फोकस के साथ आगे बढ़ना है। वृश्चिक राशि में जन्मे लोगों के मई महीने के उपायों की बात करें, डेली सुबह सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं, गुरुवार के दिन चने की दाल का दान करें, डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें, चंद्रमा और मंगल के बीज मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र का लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप अपने संपूर्ण जीवन का राशिफल जानना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा।
वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।